सो हेलो दोस्तों, आप एक छोटा सा मोबाइल के थ्रू बिना इंटरनेट के आप IVR बैंकिंग करके इंडसइंड बैंक अकाउंट का पैसे को आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना UPI के, बिना डेबिट कार्ड के। उससे करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या जरूरी है, कैसे करना होगा, मैं आपको सारे जानकारी कर देता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक शेयर जरूर करें। सो हेलो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे IVR बैंकिंग क्या है, IVR बैंकिंग किसको कहते हैं। IVR बैंकिंग यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस, यानी कि आप बिना इंटरनेट के आप कोई भी छोटा वाला मोबाइल से भी एक वॉइस कॉलिंग करके किसी भी बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में 123 पे का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि 123 UPI पे के जरिए आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपने बैंक से। उसके लिए आपका बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड होना चाहिए, UPI ID होना चाहिए, तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि इंडसइंड बैंक का आप बिना UPI का, बिना डेबिट कार्ड का आप किस तरीके से IVR बैंकिंग करके आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपको जानकारी कर देता हूँ, मेरा नाम है मुन्ना आलम, मेरा YouTube चैनल टेक्निकल भी। दोस्तों, हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक शेयर जरूर करें। IVR बैंकिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। IVR बैंकिंग करने के लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर मोबाइल में इंटरनेट ना भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइपिंग बोर्ड जो होता है 123 वाला कीबोर्ड, वो आपका ठीक होना चाहिए। उसी के जरिए ही आप IVR बैंकिंग कर सकते हैं। IVR बैंकिंग करने के लिए अलग अलग बैंक का अलग अलग IVR नंबर होता है, तो हम आपको इंडसइंड बैंक का IVR बैंकिंग करने का तरीका जानकारी देते हैं। इंडसइंड बैंक यानी कि आपका मेन ब्रांच का अकाउंट हो या फिर RDSP CSP यानी भारत मनी स्टोर का अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, जो भी अकाउंट है, आप इंडसइंड बैंक का IVR बैंकिंग कर सकते हैं। IVR बैंकिंग करने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन रहता है। जो आपका इंडसइंड बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, उसी मोबाइल से ही आप IVR बैंकिंग कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक का IVR बैंकिंग करने के लिए आप, ये जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर मोबाइल से ही कॉल करें IVR बैंकिंग करने के लिए, आप दूसरे मोबाइल से भी आप IVR बैंकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। आप 10 रुपया से लेकर 10,000 तक का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में, उसका आपको कोई भी चार्ज एंड फीस अलग से नहीं लगता है। इंडसइंड बैंक IVR बैंकिंग करने के लिए आप जिस मोबाइल से फोन करने वाले हैं IVR वाले नंबर पे, उस मोबाइल पे आपका रिचार्ज होना चाहिए, तो ही आपका IVR करने के लिए कॉल लगेगा। इंडसइंड बैंक IVR बैंकिंग करने के लिए IVR नंबर आपको डिस्प्ले में ऑलरेडी शो हो चुका है, आप इस नंबर को कॉपी यानी के नोट करके रखिए और इसी नंबर पे आप कॉल करना है इंडसइंड बैंक IVR बैंकिंग करने के लिए। दोस्तों, IVR बैंकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप जानते ही है, तो मैं आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ हमारे YouTube चैनल में, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के आप डायरेक्टली IVR बैंकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, 123 पे के जरिए IVR बैंकिंग करके आप दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बैंक अकाउंट से, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। दोस्तों, IVR बैंकिंग करने में या फिर आपको बैंकिंग CSP से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हर पल मिलता रहेगा।